वीरवार को नगर परिषद के गठन का एक वर्ष पूरा होने पर प्रेस और पब्लिक के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधान पूनम सैनी ने एक वर्ष की उपलब्धि सामने रखी और वरिष्ठ पार्षद जिले सिंह जागलान को अपना राजनीतिक सलाहकार भी नियुक्त किया। गौरतलब है कि पूनम सैनी अब 23 पार्षदों का समर्थन हासिल कर चुकी है। 3 साल का काम रखा उसी जिस दिन नगर परिषद का चुनाव हुआ के लिए हरियाणा सरकार ने उनको विशेष ऐसे में उसका काम करना ये उनकी योग्यता दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव के नाते आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने पिछले एक वर्ष के दौरान भरपूर प्रयास किया। हम इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते थे, इसमें हमने नगर परिषद के तमाम पार्षदों अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार जिला प्रशासन व जींद शहर की जनता का भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण हम आज 1 साल पूरा होने के बाद कह सकते हैं कि हमें शहर की सूरत बदलने में कुछ कामयाबी मिली है। उप प्रधान रही अरोड़ा जी हमारे साथ कई कार्यों पर हमारे 20 करोड़ खर्च हो चुके हैं और आगे की योजना तैयार की जा चुकी है जिसमें 25 करोड़ रुपए खर्च करने का हमारा अनुमान है। मुख्य कार्य हमने जो शमशान घाटों और धार्मिक स्थलों पर गलियां जाती हैं वो सभी पक्की करने का कार्य किया है। महापुरुषों की प्रतिमाओं को हमने रंगारंग कर दिया गया जो कि कई वर्षों से अखंडित हुई थी, उनको हमने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को हमने ऑनलाइन सभी को कर दिया गया। लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, इस कार्य लाइनों को हमने बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यकर्ताओं में नियत राजनीतिक सलाहकार की नियुक्ति पर जिले सिंह जागलान और प्रदेश सचिव जवाहर सैनी ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए ये नियुक्ति जरूरी है। प्रधान देखे हैं, लेकिन इस बार जो हमारा अनुभव रहा है वो जो मेरा तो आप सभी से ये निवेदन है कि अपने रखेंगे, उनसे पहले मैं जिले सिंह जी से कहूंगा कि वो भी दो जवाहर जी की बात सुने। जवाहरलाल जी की सरकार में ये तय था कि हमने 3 मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं भी आपके बीच में बोल रहा हूँ। मैं नगर अनिल नागपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप राजनीतिक जी कुछ मामले ऐसे होते हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने प्रधान जी को सुझाव दिया, बस जो साथी हमारे खिलाफ थे डेवलपमेंट उनके, क्योंकि आप शहर के प्रधान हैं तो इन्होंने हमारी बात को माना, उनको पूरा वेटेज दिया और उन वार्डों में भी काम बराबर रूप से हो रहे हैं जो लोग आज इनके खिलाफ हैं। राजनीति तो यही नहीं भाई, इनको मतलब समय समय पर सलाह देना, जो डेवलपमेंट के काम है, सिटी लाइट के काम है, सभी वार्डों में, क्योंकि शहर के प्रधान हैं, पूरी कमेटी के प्रधान है, सलाहकार कुछ और पद भी हो सकता है। राजनीति में यही नाम चल रहा है ये तो, राजनीति में जो पद होता है उसी के अनुसार, काम के अनुसार ही पद का नाम लिया जाता है। जब राजनीति में सलाह राजनीति के लिए लेंगे तो राजनीतिक सलाहकार हुए। ऐसा सीमा साहब आपको बताऊं, बात हमने तो वो टाइम भी देखा है, मैं अगर खिलाफ हो गया ना प्रधान का तो उनको करता भाई इसका टोल टाइम लगना चाहिए, एक बल्ब चेंज नहीं होना चाहिए। उस समस्या को निपटाने के लिए हमने इनको सुझाव दिए, हमारे सुझावों पर इन्होंने गौर किया है और सभी शहर के 31 वार्डों में समान रूप से डेवलपमेंट के काम हो। भाजपा के प्रदेश महासचिव